हम इस समय मौजूद हैं शास्त्री चौक पे, और आप देखिए बस की अगर हम बात करें तो बस को देखिए, ये पूरी तरीके से बता दें कि इलेक्ट्रिक बस है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं नितेश गुप्ता। और आज आखिरकार सड़कों पर दौड़ पड़ी इलेक्ट्रिक जो है बसें गोरखपुर के सड़कों पर, और आप देखिए हम इस समय बस में मौजूद हैं और अब ये सड़क पर जो है दौड़ रही है। यहाँ पर शास्त्री चौक पर खड़े हैं, कुछ देर पहले ही अभी जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झंडी दिखाई है, और आप देखिए ये शास्त्री चौक का इलाका है और यहाँ पे अभी फिलहाल रुके हैं। और बाहर आप देखिए कि अभी मुख्यमंत्री नगर निगम का जो है वो नई बिल्डिंग का जो है उद्घाटन करने गए हैं, तो अभी देखिए किस तरीके से अभी चौराहे पे पुलिस वाले मौजूद हैं और तमाम लोग आपको सड़कों पर दिखेंगे। हम इस समय मौजूद हैं शास्त्री चौक पर, और आप देखिए बस की अगर हम बात करें तो बस को देखिए, ये पूरी तरीके से बता दें कि इलेक्ट्रिक बस है और पूरी वातानुकूलित है, यानी एसी बस है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो लगभग 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 2 कैमरे जो हैं वो ड्राइवर सीट के पास लगे हैं, और यहाँ पे अगर तीसरे कैमरे की बात करें तो वो यहाँ पे लगी है, जब आप बस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे लगी है, और एक जो है पीछे आप देख रहे होंगे जो सबसे पीछे लगा पड़ा है वो सीसीटीवी कैमरा। और गेट की बात करें तो 2 गेट यहाँ पे लगाया गया है, एंट्री गेट लगाया गया है, एक गेट जो है वहाँ ड्राइवर के सीट के पास और एक गेट आप यहाँ देख सकते हैं, और सीट को देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दिव्यांगों के लिए भी सीट दी गई है, आप ये देख सकते हैं दिव्यांग जब व्हीलचेयर से आएंगे तो सीट फोल्ड हो जाती है और वो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। रिजर्व सीट की बात करें तो यहाँ पर सांसद और विधायक और महिलाओं के लिए अलग से सीट जो है रिजर्व की गई है इस बस में। और बात मानिए साउंड सिस्टम भी है, अभी आपको अगर सुनाई दे रहा होगा तो ऊपर जो है कुछ बोल भी रही हैं वो महिला, किसी चीज़ का ऐड कर रही हैं। बाकी आप देखिए अगर सीट के अलावा ये एक हैंग करने के लिए यानी यहाँ पे पकड़ने के लिए भी यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, यानी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस चीज़ का जो है बनाया गया है। सीटों की जो हम बात करें तो सीट काफ़ी जो है कंफर्ट है, ये सीट देखिए ये सीट है और एक पे यानी 2 लोग बैठ सकते हैं एक सीट पे, और ये काफ़ी कंफर्ट सीट है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। ड्राइवर सीट की बात करें तो ये ड्राइवर सीट देखिए, और ये बस पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस है। आप देखिए कि एक स्क्रीन लगाई गई है, मॉनिटर आपको दिख रहा होगा ड्राइवर सीट के पास, और ये पूरी तरीके से आप देखिए कि वातानुकूलित है। और ये देखिए ऑटोमेटिक बस भी है, यानी गेयर नहीं है सर इसमें, ना गेयर नहीं है, ये गेयरलेस बस है। और देखिए यहाँ पे बकायदे दिया हुआ है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, यानी 3 अलग अलग मोड दिए गए हैं, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे साउंड सिस्टम भी दिए गए हैं, और पूरे बस को यहीं से मॉनिटर किया जाएगा। और 2 गेट दिए गए हैं एंट्री और एग्जिट के, वो आप फ्रंट पे एंट्री देख रहे थे और ये एग्जिट गेट है। कुछ देर पहले ही अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको हरी झंडी दिखाई है। लगभग 15 बसें इस समय शहर में हैं इलेक्ट्रिक बस। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से अब आज हरी झंडी दिखाई गई है तो कहीं ना कहीं अब ये जल्दी ही जो है सड़कों पे भी दौड़ने को देखेगी। और सबसे अच्छी बात यह एक बस में जो है मेडिकल एड भी है, वहाँ देखिए फर्स्ट एड भी दिया गया है, बाकायदे वहाँ पर बॉक्स बना है उसमें फर्स्ट एड भी दिया गया है, इसलिए ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई ऐसी घटना घटती है तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एड मौजूद है, वहाँ पर तुरंत जो है उनको वो चीज़ें दे दी गए। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे एलईडी पीछे देखिए, यहाँ पे एलईडी स्क्रीन भी दिया गया है। गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज जो है उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि आज जो है इसका उद्घाटन हो गया, और ये एलईडी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई देगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, ये बस कहाँ को कहाँ जाएगी, 3 रूटों पर इस बसों को चलना है। आपको बता दें आज जिस तरीके से अब यानी उद्घाटन हो गया है तो अब जल्दी आपको सड़कों पर ये बसें दौड़ते दिख जाएंगी। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।